आज हम हैं सपा कार्यालय में। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करने के लिए और उनको एक श्रद्धांजलि आज के इस श्रेष्ठ दिवस पर देने के लिए सपा कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष, हापुड़ जिले से जिला अध्यक्ष किशन सिंह तोमर जी ने अध्यक्षता की है, और सपा से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री भूषण त्यागी जी मुख्य अतिथि रहे। आपसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है सपा पार्टी के, क्या इस साइकिल रैली से फायदा होगा और क्या जनता का संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं? उद्देश्य केवल यह है कि हमारे इस 4 साल का देखा जो होगा तो कुछ आम जनता को पता चले कितना बड़ा विकास योगी गवर्नमेंट ने किया है, और पूरे देश में किसी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं देखा। बिजली का, सड़कों का, हर एजुकेशन में, हेल्थ में, हर लाइन, हर क्षेत्र में, हर विभागों में योगी सरकार के बराबर देख रहे हैं, उसका प्रचार हो गया, लोगों को जन जन तक पहुँच जाए, वो साइकिल रैली का माध्यम से अब हमारे आदमी पहुँचेगा तो 2017 में बाइक को पता नहीं आना है पहुँचाने के लिए। कहीं ना कहीं साइकिल रैलियाँ होती हैं, सकारात्मक प्रभाव का दृष्टिकोण आपके पदाधिकारियों के ओर से उसमें दर्शाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभिन्न मोहल्ले होते हैं अनेकों क्षेत्रों के, वहाँ पर जनता का जुड़ाव पार्टी से होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसका कभी कभी क्या है कि उसका प्रचार पहले नहीं हो पाता कि आज से रैली हो रही है उस मोहल्ले में, यह है कि अक्सर बार वो नहीं कर रहे उसके पहले ही कई मोहल्ले हो रही है, उसके रूप में हम तैयार हो रही है, उसकी मीटिंग उसकी कैसे कैसे हमें करना होगा, बहुत विशाल रूप से होगा, और हमें चुनाव है और सारा टाइम उसके लिए दिया जा रहा है, तो बीच में हुई है अगर खासा पदाधिकारियों की बात करें, सपा पदाधिकारियों की बात करें या सदस्यों की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ टूट फूट जो हर पार्टी में नजर भी आती है वो यहाँ पर यानी जिला हापुड़ में भी देखने को मिलती है। हमारे साथ श्री कृष्ण सिंह तोमर जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी जिला हापुड़ के। क्या विशेष करना चाह रहे हैं अग्रिम चुनावों को देखते हुए भी अपने जिले में? आप समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में जितने वादे किए थे, वो समाजवादी पार्टी का नया नारा एक आया कि पूरे हुए वादे, आगे नए इरादे, तो जो वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं। और नए इरादे से मतलब ये था कि कई शहरों में मेट्रो, गाजियाबाद में मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो चल जाएगी, कई शहरों में चाहे वो बनारस हो, कानपुर हो, उनमें DPR मतलब बन चुकी है और वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। तो इन सारे कामों के बल पर और जो साइकिल यात्रा निकल रही, जैसा त्यागी जी ने बताया, उसका उद्देश्य भी यही है कि बन रहा है आज, संवर रहा है कल। तो हम ये सारे कार्यक्रम गांव में जाके लोगों को बताएंगे कि जो समाजवादी पार्टी ने किए हैं, और जितना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज का कोई वर्ग ऐसा चुका नहीं है, छात्रों के लिए, कन्याओं के लिए, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने आगे लाने का प्रयास ना किया, और उसी के बल पर समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, ये निश्चित रूप से तय। सपा पार्टी कुछ विभिन्न स्तरों पर अब की बार कुछ निर्णयों में आगे नजर आ रही है, जैसे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने से। अभी जिला हापुड़ में जो प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किए गए हैं वो भी हमारे साथ आज इस सभा में बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप देख रहे हैं हापुड़ में क्या ऐसा नया कार्य चुनाव से पहले जनता को जोड़ने के लिए करना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विभिन्न पुरानी हारों के बाद हापुड़ में नंबर आगे बढ़ाए? देखिए, पिछले 4 साल में हमारे युवा मुख्यमंत्री ने जनहित में कार्य किए, उन कार्य को लेकर हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि अन्य और मुख्यमंत्रियों से कम पूरे हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इस तरह के हमारे मुख्यमंत्रियों से अलग हटके बात करूं, मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ की जनता आपको देखेगी, आपके कार्य से प्रभावित होकर आपको वोट देगी, आपका क्या प्रयास रहेगा अपने जिले में? सबसे पहला तो हमारा प्रयास रहेगा हम हर आदमी तक जाएं और अपनी बात को कहें, अपनी सरकार की बात को कहें,
और जो हमारा पीछे का कार्यकाल हमारा जो 4-5 साल का जो कार्यकाल है हमारी विधानसभा दौराने लगी हुई है वहाँ के लोग यहाँ रहते हैं यहाँ के वहाँ रहते हैं तो हमारे उस 5 साल के कार्यकाल में हमने उस ब्लॉक में रहते हुए कैसा कार्य किया, हमारी छवि कैसी है, हम क्या आगे करना चाह रहे हैं, हमारी जो सोच है एक डेवलपमेंट की भी और आपस में भाईचारे की सभी के विकास की सोच को लेकर मेहनत को लेकर हर गांव गांव जाएंगे, हर व्यक्ति को समझाएंगे, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए और 2017 में अब की बार हापुड़ से आप देखेंगे समाजवादी का। सुनने से और देखने से लगता है कि सपा पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। आगे समय बताएगा क्या होगा प्रदेश में और विभिन्न जिलों में हाल समाजवादी पार्टी का। मैं अजीत कुमार शर्मा अपने साथी चंद्रसेन वर्मा और नफीस अहमद के साथ जिला हापुड़।